तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि सैमसंग A52 डेज में वन यू आई 5.1 का अपडेट नहीं आया, या फिर बोल सकते हैं मार्च का कोई अपडेट नहीं आया। आज फाइनली दोस्तों इसके अंदर एक नया अपडेट रिलीज हो चुका है। इंडिया के अंदर सबको रोल आउट होना चालू हो चुका है। पहले यूरोप में आया था, आज फाइनली इंडिया में आ चुका है। दोस्तों ये नया अपडेट क्या है, दोस्तों यहां पर अगर आप सेटिंग पर जाके देखेंगे, ये अपडेट सेटिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखेंगे, तो ये अपडेट आपको मिलेगा वन यू आई 5.1 का अपडेट, जो कि बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे। इससे पहले वाले मोबाइलों में आ चुका है बट इसमें नहीं आया था, बस फाइनली आज रोल आउट हो चुका है। अगर आप नीचे जाके देखेंगे यहां पर बहुत सारे नए चेंजेस दिए गए हैं, और यहां नीचे जाके देखेंगे फाइनली तो आप देखेंगे इस अपडेट का जो साइज है 1386 MB, लगभग 1400 MB का ये अपडेट है, क्या कह सकते हैं 1.5 GB का। साथ में 1 मार्च की सिक्योरिटी भी अपडेट दी गई है। तो फाइनली मैं पहले तो कर लेता हूँ इसको अपडेट, जैसा कि मैंने डाउनलोड करके रखा है आप देख रहे होंगे। अब मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट, अपडेट होने में जो भी टाइम लेगा। उसके बाद मैं स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि इनिशियल मुझे लगे, और बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी रिव्यू दूंगा कि एक्चुअल में नए नए फीचर क्या क्या एडेड हुए, और इसके अपडेट होने के बाद मुझे क्या लगा या क्या चेंजेस लगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अपडेट के लिए अगर मैं आपको ले जाऊं यहां पर सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन पे, और यहां लास्ट अपडेट पे देखेंगे तो देखेंगे आप अपडेट हो चुका है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही अपडेट इसको कर लिया है। यहां पर आप देखेंगे क्या क्या नए फीचर एड ऑन किए गए, आप चाहें तो यहां पर भी उसको आप देख सकते हैं। अब ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस बता दूं, या सबसे पहले जो नए फीचर ऐड ऑन किए गए हैं, वो है विजार्ड्स को लेके। अगर आप यहाँ पर विजार्ड्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको नए नए विजार्ड्स ऐड ऑन किए गए। जैसे कि सबसे पहला विजार्ड्स मुझे ऐड ऑन लग रहा है नया, एंड्रॉयड एस ईस्टर। ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, अब मैंने यहाँ पर लगा के देखा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। चलिए कैसे यहाँ पर ये इसको एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला एक ये विजार्ड ऐड किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो यूजफुल विजार्ड ऐड किया गया है सैमसंग की तरफ से, वो है बैटरी के अंदर। जैसे आप यहाँ बैटरी में जाएंगे तो आपको ये विजार्ड्स मिल रहे होंगे, आप यहाँ पर स्वाइप करके रखेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा आईफोन में ऐसे ही विजार्ड्स मिलते थे, अब फाइनली इसमें भी आपको ये विजार्ड्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर ये विजार्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको सेटिंग करके एड ऑन भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर दिखाना है और क्या क्या नहीं दिखा रहा, तो आप उनको यहाँ पर एड ऑन कर दीजिए, वो चीज़ें वहाँ पर दिख जाएगी। जैसे गैलेक्सी बर्ड्स, अदर डिवाइस के आपको यहाँ पर दिखने ले जाएगा परसेंट, जैसे कि अभी मेरे मोबाइल का परसेंट आपको दिखा रहा होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर और क्लिक करके देखेंगे विजार्ड्स में, तो यहाँ पर बैटरी के अंदर एक और विजार्ड जो कि नया मिला है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से स्वाइप करके नीचे की तरफ ले जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सैमसंग A52। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जितने भी मोबाइल जो कि आपके सैमसंग अकाउंट से, जैसे सैमसंग गैलेक्सी की मेरे पास 4-5 मोबाइल हैं और सब पे मेरा सेम अकाउंट लॉगिन है, तो उसके सबकी बैटरी आपको यहाँ पर सिग्नाइज होकर मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको एक एक करके देखना नहीं पड़ेगा, सबकी सिग्नाइज होकर आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है। मतलब कि इसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर दी गई, जैसा कि आई सैमसंग में होता है कि आई क्लाउड आपने कहीं भी मिला हो सैमसंग की, जैसा कि आईफोन में होता है आपने आईफोन की आईडी लॉगिन कर ली और सब जगह काम करती है, सेम उसी तरह से यहाँ पर दे दिया गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे बिक्सी विजन में भी एक नया यहाँ पर दिया है ट्रांसलेट टेक्स्ट करने का, ये भी नया यहाँ पर विजार्ड्स को एड ऑन किया गया है, ट्रांसलेट टेक्स्ट डिस्कवर स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट भी हो जाएगा, और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट निकाल लेगा, और ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको यहाँ पर एड ऑन कर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विजार्ड्स में और क्या नए चेंजेस किए गए हैं विजार्ड्स में, अगर आप देखना चाहेंगे तो और भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे विजार्ड्स एड ऑन मिलेंगे, बाकी और कोई मेजर विजार्ड्स यहाँ पर एड ऑन नहीं किया गया, मेन विजार्ड्स यही था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है, या बोल सकते हैं नेक्स्ट जो अपडेट दिया गया है, वो है यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद अगर आपने कोई वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है तो वो आपको बता देगा कि वो वाईफाई आपके सारे मोबाइल पर सिग्नलाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला चेंजेस यहाँ पर ये भी दिया गया है। फिलहाल मुझे लगे इनिशिएट ये नए नए चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद अगर एक चेंज और देखने जाएं, यहाँ सर्च में जाएंगे तो आपको एक इस तरीके से एक नोटिफिकेशन दिखाएगी, चूज ऐप यू कैन सर्च इन शो रिजल्ट फ्रॉम योर सर्च क्वेरी प्रोसेस्ड बाय प्रोवाइडर ऐप योर चूज एक्यूरेट विद ऑन पॉलिसी। मतलब कि अगर आप जब इसमें चूज करेंगे तो वो उस ऐप के अंदर को डेटा को भी यहाँ पर आपको सर्च करके बताएगा। जैसे कि आप यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी ऐप का डेटा वो ले और कौन कौन सी ऐप का डेटा ना ले, तो आप यहाँ पर उसको एड ऑन और कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पहले भी कर सकते थे बट पता नहीं क्यों अभी भी ये बता रहा था। यहाँ पर आपको सो सजेस्ट्स ऐप का ऑप्शन भी एड ऑन कर दिया गया। मतलब कि यार यहाँ पर जो मेन अभी मुझे लगा
वो है विजार्ड्स वाला सेक्शन, कि विजार्ड्स आपको नए नए एड ऑन किए गए, कि आप विजार्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं और विजार्ड्स पर ही आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें पूरा अच्छे से रिव्यू बताऊंगा। फिलहाल मैंने जल्दी जल्दी में यही अपडेट्स बताए आपको, यही सेटिंग करी है। एक चीज यहाँ पर किया गया, आपको सेटिंग में जाके देखेंगे तो मार्च की सिक्योरिटी यहाँ पर अपडेट कर दी गई। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे मार्च की सिक्योरिटी अपडेट आपको यहाँ पर साथ में मिल गया है। और साथ में अगर आप गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे तो बहुत सारी नई एप्स भी अपडेट्स हो गई होंगी। देखिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आएगी और बहुत जल्दी आएगी, जिसमें सारे फीचर एक एक बताए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।